ये पूरा बना हुआ है। इधर से हम जय हिंद दोस्तों, आज हम आए हैं कि मिर्ज़ापुर में, जो कि चिल चौराहे से करीबन 150 किलो करीबन 2 किलोमीटर अंदर गांव है। बंगला मदन पट्टी डिंगू पट्टी से सटा हुआ गांव है। यहां पर देखिए ये पुरानी हवेली जो देख रहे हैं, ये कभी समय में ये राजा का महल होता था। आज इसी का हम व्यूज आपको पूरा दिखाने वाले हैं। अभी तो पुराना टूट के पूरा खंडहर हो चुका है हमारे पीछे जो दिख रहा है, अभी इसका हम व्यूज़ पूरा आपको दिखाएंगे। देखिए कितना बड़ा खंडहर ये बन चुका है, और अभी हम आप लोगों को पूरा अंदर जाके दिखाएंगे कि कितना अच्छा सा बना हुआ था, लेकिन इस समय अभी फिलहाल टूट गया है। अब व्यूज में बने रहिए आप लोग। ये देखिए यहाँ से अंदर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, ये सीढ़ी है जो पहले अच्छा बना हुआ था। यहाँ पर ये पूरा टूट चुका है, अंदर हम जाके आप लोगों को दिखा रहे हैं पूरा किस तरीके से बना हुआ था। ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, ये पुरानी पूरा एकदम बना हुआ है। देखिए पुराने समय में ये लकड़ी का गाटर वाटर लगा हुआ है इसमें, और अभी हम और अंदर चल के दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन इस समय फिलहाल टूट गया है। अंदर से पूरा रास्ता ये जाने के लिए था, अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है इधर। और ये देखिए पूरा एकदम बड़ा सा बना हुआ है, और हम दूसरी तरफ से भी जाके आप लोगों को दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ से जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। इधर से जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। ये पूरा बना हुआ है, इधर से हम डिजाइन यहाँ का देखिए, अभी हम आपको और दिखा रहे हैं इधर से दोस्तों, ऊपर हम चढ़ के दिखा रहे हैं। देखिए पूरा एकदम महल जैसा बना हुआ है यहाँ, एकदम पहले के राजा वजा बना कर रहते थे इसमें। ये देखिए अभी हम आपको अंदर लेके जा रहे हैं, यहाँ के सीढ़ी दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है, इसे हम दिखा रहे हैं अभी अंदर आपको ले जाकर। ये देखिए पूरा सीढ़ी बना हुआ है, पूरा एकदम गोला सीढ़ी बना हुआ है इसमें। अभी तो फिलहाल टूट गया है, इसमें जाने के लिए शायद ऊपर रास्ता नहीं, नहीं तो हम ऊपर आप लोग चलिए कोशिश करके दिखा रहे हैं आप लोगों को चढ़ के। आइए यहाँ पे देखिए सीढ़ी गोला एकदम गोल सीढ़ी बना हुआ है, अभी हम आप लोग को ऊपर लेके चल रहे हैं दिखा रहे हैं। ये डर लग रहा है इसमें क्योंकि ये टूटा हुआ है सीढ़ी सब, चलिए फिर भी चल रहे हैं। देख रहे हैं पूरा टूटा हुआ सीढ़ी है, आ गए हम छत के ऊपर। यहाँ से देखिए अब इसका नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये पूरा यहाँ से देखिए गंगा नदी भी दिख रही है आप लोगों के, जो दिख रही है गंगा नदी है यहाँ। बहुत अच्छा ये बना हुआ है, और ये पूरा टूट चुका है, पूरा टूट के बना एकदम, घास वास पूरा जाम गया है पूरा। ये तो बहुत अच्छा नज़ारा था यहाँ का।
यहाँ देखिए जो कि हम छत पे हैं, ये आप लोग को जो दिख रहा है ये बना हुआ है, जो मंदिर सा बना है, ये मंदिर नहीं, इसमें अंदर चारों तरफ से पैक है ये। अभी हम आपको उसके पास जाके दिखाएंगे आप लोगों को, चारों तरफ से पैक हुआ है वो, और उसके अंदर क्या है अभी तक तो कोई नहीं जान पाया है उसके अंदर, वो चारों तरफ से पैक हुआ है। यहाँ से देखिए कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, ये जो रास्ता सीढ़ी का है, रास्ता है जिससे हम लोग ऊपर आए हैं, ये एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखे जो बना है, ये मंदिर सा बना है, ये चारों तरफ से पैक है। यदि हम आपको दिखा दें, ये चारों तरफ किसी तरफ से खुला नहीं है ये, इसके अंदर क्या है अभी तक तो कोई किसी को नहीं जानकारी है। और इसके तो चारों कहती पंकज भाई, ये क्या बना है ये बताइए, ये पहले कहा था इसमें शायद इसमें नहाते वहाते थे वो, पहले का समय पूरे राजा रानी का जो भी यहाँ पर रहता था इसमें नहाते था, पूरा खंडहर ये हो गया है। इसके आगे हम ले चलते हैं, यहाँ के बहुत फूल और बागीचे लगे थे, फिलहाल इस समय कुछ सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये देखिए बरगद का बहुत पुराना पेड़ है, ये देखिए बरगद का, अब हम आपको उसके पास ले कर चल के दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये बरगद का पेड़ जो है ये बहुत ही पुराना है, इसमें देख रहे हैं पूरा दम लगा हुआ है, उसके पास एक मंदिर है। देखिए बरगद का पेड़ जो है हम पास से आके दिखा रहे हैं, कितना विशाल बरगद का पेड़ है ये, एकदम पूरा इसकी जड़ चारों तरफ लटका हुआ है जड़ इसका।